पानीपत के सिपनिंग मिलों के श्रमिकों ने श्रम कानून और वर्ष 2019 जनवरी के महीने से बढ़े हुए न्यूनतम वेतन को लागू करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। ये जो आंदोलन है, आज रोस रैली है मजदूरों की, ये स्पिनिंग उद्योग के मजदूर हैं 150 फैक्ट्रियों जो 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। 25 से हड़ताल पे 28 तारीख को मार्च को रोस प्रदर्शन करके डिप्टी लेबर कमिश्नर को लेटर दे के गए थे कि भाई न्यूनतम वेतन और श्रम कानून लागू करवाएं। जो सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन तय है उससे आधी मजदूरी दे रहे हैं फैक्ट्री मालिक, आधी मजदूरी की चोरी कर रहे हैं, उनको दे नहीं रहे पिछले 3 साल से। पानीपत के लघु सचिवालय में सैकड़ों मजदूर सीटू के बैनर तले पहुंचे व उपायुक्त से जल्द न्यूनतम वेतन व श्रम कानून लागू करने की मांग की। मजदूर नेता ने कहा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।